से क्या हुआ, ये क्यों हुआ है? उन्हें इतने ज्यादा गुड कॉप बैड कॉप नहीं चाहिए सिस्टम को, ये क्यों उन्हें रोका गया है? नहीं, अभी मलिक साहब कह रहे थे कि आपने उनकी बात मुखी ले ली। मलिक साहब ने जो गुजरांवाला का कहा, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपने उनकी भी तरबियत कर दी। अच्छा। मैंने अल्फाज भी इस्तेमाल की, लादा था। मुझे लगता है तरबियत मेरी हो रही थी, इनकी हो गई है। पुठे पै गए। अच्छा। मैं तो ये समझता था कि ये मियाँ साहब के बड़े चाहने वाले हैं। नहीं नहीं, ठीक है ना, मैंने सोचा था कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कल हमने शो करना है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं। नहीं नहीं, बताओ मुझे। नहीं, तुम्हें नहीं पता कल हमने क्या, आप भूल जाते हैं कि हमने कल भी शो करना है। मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए, अगर ये वाली बात इनकी मान ली जाए कि कल भी हमने शो करना है, तो फिर इसका मतलब ये कि क्या हम लोग एक मशीने हैं जो बोल नहीं सकते या कह नहीं सकते? कह तो रहे, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ। कि हम कह तो रहे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे गुड कॉप और बैड कॉप पे। मलिक साहब का कहना गुड कॉप बैड कॉप, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, आप किसी चीज में पकड़े गए, आप सबके कहेंगे कि इस तक आम पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अच्छा। ठीक है, जैसे आज अली नवाज चले गए, जरदारी साहब कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वो अपनी मुजम्मत खुद करेंगे, ठीक है ना। अब सुन ले, वो क्या करेंगे? वो अपने पिछले सारे जो वो कर चुके हैं वो उसकी मुजम्मत करेंगे। तो ये जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर भी अपडेट हो गया। अच्छा, ठीक है, बिलावल का कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। वो क्या nobody takes him seriously? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा। ये पॉजिटिव बिलावल के हक में बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक गांव में आ गया सैलाब, तो सब अपना सामान उठा के भाग रहे थे, तो एक बाबा वो ना हुक्का पकड़ के छत पे बैठा गाने गा रहा था, तो किसी ने कहा पाजी सामान चुक सैलाब आ गया। उन्हें कहा गुरबत आजी मजा आया ना, साढ़े कुल कुछ है ना, हमें किसी का डर है। बेचारे उसने अभी कुछ किया ही नहीं, तो उसे किस चीज का कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ? ये जरदारी वगैरह जो लोग हैं, इनके कौन से रिकॉर्ड हैं जो जो मुझे पता है तो और जगहों पे नहीं पता? लोग यूं करके कहते हैं ये हैं आप जनाब, ये है वो आप हुजूर, ये है वो जराए, हाँ ये हैं आप, ठीक है ना। चाइना कटिंग भत्ता, हाँ। माफिया चीनी फैक्ट्रियों पे कब्जा, और क्या कहते हैं, लूट मार की इंतहा। आप कैसे भाई टकरा सकते हैं? आप बयान दे सकते हैं और उसके बाद दुबई जाके भाग छुप सकते हैं दो ढाई साल के लिए। सो ये इट्स नॉट लाइक दिस के जी कोई बैड कॉप होगा। उन्हें पता है भाई कि मेरी हैसियत क्या है जो मैं सिस्टम को चैलेंज करूं। ऑप्शन ही कोई नहीं उनके पास, ही हैज नो ऑप्शन। अच्छा, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई नहीं कर सकते बेचारे, कर सकते, ठीक है ना, क्या करे, अपने खिलाफ ही कर लेंगे, कहेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ रहा हूं। नहीं, मैंने जो किया था, मेमो गेट किया था, ये किया था, वो सब गलत। वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने कि मैं इस्तेकाम पार्टी में जा रहा हूँ, तो जहांगीर तरीन साहब ने कहना साडा कसूर की है। वो वाहिद होंगे जिनको नहीं लेना पसंद। अच्छा, आपको थोड़ा सा वो आपने जो शुरू में हल्का सा मजाक किया था ना, मैं थोड़ा सा वाजिया कर दूं। मैं आपको बताने लगा हूँ बाप का बाप कौन है। वो सबको पता है। किसको नहीं पता? क्या नहीं, नहीं बाप आपको नहीं पता? आप, मुझे पता। चले, आप बता बाप का बाप, ये हमारे यही जाने मन जरदारी साहब है। अच्छा, भाई, जो भाई है। ये अच्छा। हमारे यहाँ बाप हर बंदा वहां चला जाता है। वहां कहा? जो आपने कहा बाप का बाप, आपको क्या पता मैंने क्या कहा? मैं जरदारी साहब को बता रहा हूँ, वो पूछे किस तरह जब 2016 में जब ये पनामा शरीफ को बम लगाया ना, तो 2017 में हुआ क्या है, वहां पे हुकूमत थी जो नवाज शरीफ की इत्तेहादी, ठीक है, तो वो एक बड़ा नाम शुरू हुआ था, आपको याद आ जाएगा कि जरदारी सब पे बारी। तो ये क्यों बारी हुए थे? क्योंकि इन्होंने, ये बाप के बानी है, ये इन्होंने पहला जो हमला किया था नवाज शरीफ पे, वो बलोचिस्तान से किया था, तो वहां से बाप पार्टी के जो बानी असल में है वो हमारे जरदारी साहब है।